नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हरविंद कुमार सिंह। खबर सर्वाधिक जनपद से है, जहां रविवार शाम को दो लोगों में हुई मामूली कासुनी के दौरान झगड़े ने सुबह सोमवार का विकराल रूप धारण कर लिया, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठी डंडे चलाए गए, जिसके सदमे में एक पक्ष के पिता की जान भी चली गई। सूचना पाकर मौके पर मय दल बल के साथ पहुंची सीओ, एसडीएम और थाना प्रभारी ने मृतक के पुत्र की तहरीर पर मामला दर्ज कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। घटना यूपी के सर्वास्तु जिले के ग्राम इमिलिया कर्णपुर की है, जहां पर रविवार शाम को इमिलिया चौराहे पर हकीम पुत्र गुलजार और कल्लन पुत्र बाबू खान के बीच कहासुनी के बीच मारपीट हो गई, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। आज सोमवार सुबह 10 बजे हकीम पुत्र गुलजार और दूसरे पक्ष के कल्लन सलमान और रिजवान पुत्रगण बाबू खान फिर भिड़ गए और देखते ही देखते मामला इस कदर तूल पकड़ा कि दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें दोनों पक्षों के लोगों को चोटें आई। विवाद के ही दौरान रिजवान के सिर से खून टपकता देख उस सदमे से उसके पिता बाबू खान बेहोश हो गए, जिन्हें परिजनों ने आन फान में निजी चिकित्सक मिर्जापुर चौराहे पर ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें आईबी इंडिया न्यूज़ पर। अब चाहेंगी इजाज़त, नमस्कार।